हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल भोरंज के गांव खरवाड़ की शिक्षिका पूर्णिमा जम्बाल को कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने पर डिटॉल कंपनी ने अपने ब्रांड पर पूर्णिमा जम्बाल का चित्र प्रकाशित किया है, जिसकी लोगों द्वारा तारीफ की जा रही है। पूर्णिमा की माने तो उन्होंने बताया कि डिटॉल कंपनी ने एक कंपेन शुरू की थी, जिसमें लोगों को कोरोना काल में जागरूक करने के लिए अहम रोल अदा किया हो। ऐसे लोगों की तस्वीरों को अपने ब्रांड में कंपनी प्रकाशित करेगी। इसी कड़ी के तहत पूर्णिमा जम्बाल ने कोरोना काल में लोगों और स्कूली छात्रों को कोरोना महामारी के बचाव के प्रति जागरूक किया। वहीं पूर्णिमा जम्बाल ने बताया कि कोरोना में उन्होंने लोगों को घर घर जाकर इस महामारी के प्रति जागरूक किया तथा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को बार बार सैनिटाइज करने बारे पूरी जानकारी मुहैया करवाई। इसी के चलते डिटॉल कंपनी ने उनकी तस्वीर को अपने ब्रांड में प्रकाशित किया है, जिसके चलते उन्हें लोगों की लगातार बधाइयां मिल रही हैं। एक डिटॉल ने मुहिम चलाई है कि जिस जो कोविड के टाइम में जिसने एक वॉरियर के रूप में काम किया है, लोगों को मतलब इंस्पायर किया है, हेल्प की है, और बार बार जैसे हम कहते हैं कि आपने हैंड वॉशिंग करनी है, तो स्कूल के थ्रू भी मैंने बच्चों को और अपने स्काउट एंड गाइड का जो प्रोग्राम है उसमें भी काफ़ी लोगों को जो है मैंने ये इंस्पायर किया और अवेयर किया। तो वो सारी स्टोरी उन्होंने ली, फिर ये मेल के थ्रू उन्होंने अपना लोगो हटा के, अपने जो इनका पैक है बॉटल हैंड वॉश पे, वो लोगो हटा के हमारा वो जो पिक है उसको लगाएंगे। और जून के थर्ड वीक में ये जो 100 लोगों की स्टोरी जो लगी है, जो उन्होंने फ़ोटो लगाए हैं, वो वाली पैकिंग जो है 40 मिलियन के आसपास पैकिंग ये बाज़ार में आ जाएगी। तो थोड़ा इसको ये है कि इसको कोई भी जुड़ सकता है जिसने काम किया। तो ये सिर्फ लोगों के लिए जो प्रोटेक्टर बने उनकी स्टोरीज़ को हाईलाइट करना है, उनके काम को उन्होंने एक अवार्ड दिया है अपनी तरफ से। और थोड़ा सा ये भी है कि डेटॉल काफ़ी सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, बचपन से यूज़ कर रहे हैं, एक भरोसा भी है लोगों का। तो क्यों ना आप सभी इसका एक हिस्सा बने, इंस्पायर करें एक दूसरे को, और आप सभी इस मुहिम में जुड़े। और इसमें आप सिंपल से आपने एक अपनी स्टोरी भेजनी है डेटॉल सैल्यूट करके, ये प्रोग्राम है। फिर आपने जब आपको फ़ोटो लोगो आ जाए आएगा और स्टोरी, तो आपने उसको हैशटैग करना है डेटॉल सैल्यूट करके, और जो भी आपको कोविड फाइट प्रोग्राम है उनके साथ हैशटैग करके आप सभी को इंस्पायर कर सकते हैं। जब लोगो डाला ऐसे रोज़ ही कोई ना कोई एक्टिविटी डालते हैं, लेकिन जब लोगो डाला तो लोग सच में ही इंस्पायर हुए। सोशल मीडिया पे कमेंट्स आए, फ़ोन पे, मतलब लोगों को लगा कि सच में मैं मॉडल बन गई, मैं मुझे डेटॉल ने मतलब एज ए मॉडल ले लिया। तो खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ। तो सभी ने जो काफ़ी रिस्पेक्टेड लोग हैं उन्होंने भी बधाई दी कि आपका फ़ोटो इस पे आया, और औरों को भी जिन्होंने काम किया था वो भी अब हिमाचल से लोग जो हैं वो आगे आ रहे हैं। वहीं पूर्णिमा जम्बाल ने बताया कि बीते वर्ष कोरोना काल में स्कूल बंद हो चुके थे, इसी दौरान आईवा टैलेंट हंट शो ने एक प्रतियोगिता चलाई जिसमें उन्होंने हिमाचल में चौथा स्थान हासिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की IIWP प्रतियोगिता में उन्होंने फिर से चौथे स्थान पर हासिल किया है। वहीं पूर्णिमा जम्बाल की इन उपलब्धियों को लेकर उनके सास ससुर भी काफी खुश हैं। इस लास्ट ईयर एक साल हो गया, जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो थोड़ी घर में एक ऐसा माहौल था कि टीचर आप जानते हैं डेली का रूटीन होता है बच्चों के साथ घुलना मिलना, तो थोड़ा सा घर में ऐसा लग रहा था कि कुछ नया नहीं कर पा रहे, और छुट्टियां भी हो गई थी, ऑनलाइन स्टडी का काम भी नहीं था। तो उस टाइम को यूज़ करने के लिए मैंने आईवा मिसेस इंडिया जो है एक पेजेंट टैलेंट शो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं था वो, टैलेंट शो था, जिसमें हमें 10 दिन की ग्रूमिंग के साथ हमें टास्क दिए जाते थे, वो किया। और मैं फोर्थ जो पोजीशन मेरी पूरे इंडिया में रही थी उसमें थर्ड रनर अप आई थी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
जो हमारा मंत्रालय है हिमाचल का, उन्होंने मुझे 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे पे डीसी मैम ने मुझे सम्मानित किया था उत्कृष्ट कार्यों के लिए। सबसे बड़ी है एसटीपी आईपी इंटरनेशनल आइकॉनिक वुमेन अवार्ड, तो उसमें भी वोटिंग करते हैं, वो एक वोटिंग का भी चलाते हैं, तो बहुत खुशी की बात है। उसमें भी मैं 4th नंबर पे रही, तो आप सभी का सहयोग मिलता रहता है और बाकी मेरे कार्यों को प्रशंसा मिल रही है। उसका जो महत्वपूर्ण योगदान जो है, मैं अपने माता पिता, अपने जो सास ससुर जी जिनको माता पिता मैं मानती हूँ, और अपने फैमिली, मेरे हस्बैंड और अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। क्यों उनके ससुर प्रकाश चंद जम्बाल ने कहा कि पूर्णिमा हर समय कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचती हैं। इसी सोच के चलते पूर्णिमा ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में इनाम हासिल किए हैं जो कि सराहनीय हैं। ये तो इसकी अपनी इंटेलिजेंसी है ना, ये हम तो थोड़ा सा थोड़ा रहते नहीं है ज़्यादा टच नहीं। इसका जो है अपना ये अलग दायरा है, इस अलग दायरे में नई नई खोज करती रहती है, नई नई चीज़ें देखती रहती है, और हर टाइम हम कभी कहते भी हैं कि भाई आप 24 घंटे जो हैं वो मोबाइल पर रहते हैं, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि इसने बड़ी बड़ी अचीवमेंट की है। सब कुछ करने के बाद ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत बढ़िया लड़की है। वहीं पूर्णिमा के बच्चों ने भी अपनी माँ की इस उपलब्धि की सराहना की है। पूर्णिमा की बेटी ने बताया कि माँ का फोटो डिटॉल बोतल पर आ रहा है, उन्हें इस पर बहुत खुशी है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूपुर है। नूपुर, आपकी मम्मी की पिकअप डिटॉल के बोतल पे आएगी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा जब मैं टीवी देखती हूँ तो डिटॉल की एड आती है, और अब मैं खुश हूँ कि मम्मा की फोटो भी उसमें आएगी, और मुझे खुशी हो रही है कि मम्मा इस जगह पे पहुंच पाए हैं।